और ये हैं डॉक्टर बेशरम। इनके सर की सिर्फ जुएं जानती हैं कि ये कौन है। देखो मेरे को नया चैनल, नया शो, नया सेट या फिर यूं कहें कपिल के इस नए आशियाने में रिश्ते भी नए जुड़े हैं। कपिल को मिल गई है एक टैटू वाली भाभी जो थोड़ा इतराती है, वो भी बड़ी नजाकत के साथ। शो में देवर भाभी का रिश्ता क्या कहलाता है ये देखना दिलचस्प होगा। दिल का इलाज तो हमारा भी दिल कमजोर ही है जी। यस तो हाँ, किसी का दिल नहीं मान रहा उसको मना सकते हैं। द कपिल शर्मा के इस एपिसोड में अजहर की टीम आई थी। जैसे ही एपिसोड खत्म हुआ सब शुरू हो गए एक दूसरे के साथ सेल्फी लेने में। ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा क्योंकि अब सेलिब्रिटीज तो आपके मोहल्ले में हर हफ्ते आएंगे, तो जरा अपने मोहल्ले की सैर तो करवाइए। वेलकम टू शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जिंदाबाद। डॉक्टर साहब क्या हो गया? आपने बोला ही नारे की तरह, तो फिर कैसे बोलेंगे? आराम से भी तो आदमी बोल सकते ना, वेलकम टू वेलकम सोसाइटी, आदमी फिर जिंदाबाद भी बोलेगा ना। दो मिनट डॉक्टर साहब। एक मिनट, मैं लोगों को पता नहीं है आप कौन हो, मेरे बारे में तो सब जानते हैं। ये मैं बता दूं, इनका नाम है कपिल शर्मा, इनका गोत्र भी शर्मा है, नाम भी शर्मा है, कपिल शर्मा। और ये है डॉक्टर बेशरम। ये वैसे भी विशर्म है, अंदर से विशर्म है, इनके पिताजी विशर्म थे। क्या आप क्या क्या इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं? विशर्म नहीं, मैं मशहूर हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, कौन जानता है आपको? इनके सर की सिर्फ जुएं जानती हैं कि ये कौन है। देखो मेरे को कोई नहीं जानता, इसलिए तो मैंने अपना नाम मशहूर रखा हुआ है, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मोहन जी का घर है, ये साउथ इंडियन है, तो इनका कार्ड नहीं, उनको कार्ड मत दीजिए। ये मोहन लैटरिन सर्विस, तो पिछली सोसाइटी से जो लोग आते हैं तो ये इतने वाहियात हैं कि अपने घर में लोगों को 3-3 रुपए लेके टॉयलेट करवाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वेरी फ्रेग्रेंस टाइप बिजनेस? देखिए, इधर हम लोग थोड़ा काम करने के लिए सब लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग काम रास्ते पे करते हैं, वो रास्ते पे नहीं करने करके मेरे घर के अंदर सबको काम कराते हैं। वो चौटा है, वो सब साफ सफाई करने के लिए 3 रुपए लेने में क्या प्रॉब्लम है? जैसे इन्होंने 3 रुपया रेट रखा हुआ है, जब मेरे को जाना होता है ना, मैं 2-3 दिन बाद जाता हूँ, तो मेरा 9 रुपए का काम 3 रुपए में हो जाता है, इनको थोड़ी पता। बड़ा आपका स्मेली सा आंसर था ये डॉक्टर साहब। ये है 50-50 हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं ऊपर, मरते दम तक आपके साथ, बाकी सब भगवान के हाथ। हार्ट अटैक के साथ बवासीर का इलाज फ्री किया जाता है, तो ये बड़े ही कामयाब डॉक्टर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल इनका खास कुछ चलता नहीं है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये साइकिल पंक्चर का काम भी करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं आप? अपने हॉस्पिटल के चपरासी भी खुद है? वो बात नहीं है, आई एम ए रिस्पेक्टेबल डॉक्टर। मैं यहाँ कौन रिस्पेक्ट करता है आपकी? नहीं नहीं, अपने दो लोग हैं रखे हुए, उनसे रिस्पेक्ट करवाने का मैं पैसा देता हूँ उनको। बाकी ज्यादातर मैंने देखा आपके मरीज तो आपको तकरीबन अब्यूज करते हैं, गालियाँ देते हैं। वो दे देते हैं, वो उनकी मर्जी, इसलिए तो मरीज है, मैं डॉक्टर हूँ, यही तो हमें फर्क है। बट यस आई एम वेटिंग फॉर सम पेशेंट। पता नहीं दुनिया बहुत हेल्दी हो गई है, कोई आ नहीं रहा है। स्टिचेस लगा लेते हैं आप? स्टिचेस लगा लेते हैं, मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, वो मेरे पिछली ना जूता था उसको लगाने थे मैंने। मैं दिखा दीजिए डॉक्टर साहब, गुस्सा, आपको गुस्सा बड़ा आता है डॉक्टर साहब? टीचर बाजी करता है मेरे साथ। आप अपने बीपी शू मेकर हो? मैं शू मेकर नहीं हूँ, मेरी पेंचर की दुकान है साथ में। डॉक्टर साहब आपकी मूछें मुंह में आ रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आ जाते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, मैंने तुम्हारा कुछ देना जब से तुम मेरी पैंट खींचे जा रहे हो डॉक्टर साहब, टांग खींचे जा रहे हो। मीडिया तुम्हारा कुछ मीडिया है? अरे आपके हॉस्पिटल की प्रमोशन कर रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। प्रमोशन यार, कोई बंदा दोबारा आके यहाँ खड़ा नहीं होगा, मेरे को पता नहीं प्रमोशन क्या किया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ओके डॉक्टर साहब को मिर्गी आ गई है, इनको लिटा दीजिए अंदर, अंदर लेट जाइए आप डॉक्टर साहब, आप प्लीज आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। चलो इनको लेके जाइए, अपने हॉस्पिटल में नहीं जाना। ये है दुबई टी स्टॉल। बेसिकली इस आदमी को दुबई जाना था, लेकिन जैसे कि डेस्टिनी अपना अपना रोल प्ले करती है,
जाना तो बड़े लोग, मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था लेकिन बन तो नहीं पाया ना। तो ये हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं सर बर्तन बनाता हूँ, आपको दिख नहीं रहा, चाय बनाता हूँ मैं। ये क्या कर रहे हैं आप सर? थोड़ा सा चेंज कीजिए बातों को, आपको मीडिया है पूरा, आपको बात करनी नहीं आती, मैं मुंह पे मारूंगा। ये मोटरसाइकिल बनाने वाले जो आपकी शक्ल भी नहीं है, आप चाय बनाने वाले जाके पफ बनाओ अपना। डॉक्टर साहब जुए आपके इतने इतने बड़ी पड़ी हैं। हाँ तो मेरी अपनी है, तेरे से मांगे लिए है। तो खालिया कर फिर अपनी है तो। वास लगर, जुए मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन। ओके तो आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए। ये बिजनेस बेसिकली आप लोगों को दिखने में टी स्टॉल लगता है लेकिन असल में है क्या, ये बिजनेस है क्या आपका? ये एक्चुअली दुबई टी स्टॉल है, हम यहाँ पर चाय असेंबल करते हैं बेसिकली। ये आप देख सकते हैं मेरा खुद का घर, बिल्कुल यूरोप स्टाइल में हम लोगों ने बनवाया है इसे। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर देखना चाहता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। सो यू कैन नाउ फाइंड दिस टाइप ऑफ होम्स ओनली इन यूरोप और काइंड ऑफ नॉट इवन यूएस और कनाडा, यू विल ओनली फाइंड दिस काइंड ऑफ हाउस इन। डॉक्टर साहब शट अप, मेरे घर पे नहीं आना आपने। मेरी बात सुनो, ये यूरोप में बनवाए हैं, वहाँ बनवाए हैं, टॉयलेट वहाँ जाते हैं सब लोग, अंदर टॉयलेट है नहीं। ये यूरोप यूरोप क्या लगा रहा है आपको, पता है नहीं? हमारा शो जो है वो आज से शुरू हो रहा है और आप सब लोग देखिएगा, आपको मजा आएगा। सो इस बार पूरा एक परिवार नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में, पूरी सोसाइटी में बहुत सारे परिवार हैं और इन सब परिवारों का आपस में क्या इक्वेशन है, आपस में कितने प्यार से रहते हैं, ये आपने देख ही लिया। बाकी जब तक चलेगा चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जितना रंग बिरंगा सेट है उतने ही रंग बिरंगे किरदार है। दादी अब नानी बनेगी और साथ में एक डॉक्टर साहब भी। हर हफ्ते शो में आपको कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने मिल सकते हैं। अपनी इस नई पारी में कपिल शर्मा खुद को किस तरीके से बरकरार रखते हैं ये तो अभी कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ मुंबई।